बरेली के बहेड़ी के सुपरमार्केट में चूड़ियों की तीन दुकानों में भीषण आग। दुकानदारों से पहले पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी भारी मशक्कत के बाद आग पर किया गया काबू। आग लगने की वजह साफ नहीं हो सकी, दुकान में बिजली कनेक्शन भी नहीं। दरअसल मामला बहेड़ी के सुपरमार्केट का है, जहां तीन दुकानों में भीषण आग लग गई। आग लगने से लाखों का माल जलकर खाक हो गया। किसी प्रकार फायर ब्रिगेड वालों को सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ी लेकर दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाया। दुकानें चूड़ियों की थी और बिजली कनेक्शन भी नहीं था। पुलिस आग लगने की वजह पर जांच कर रही है। पेश है बहेड़ी के संवाददाता मोहज्जम हुसैन की खास रिपोर्ट। ये कैसे आग लगी, क्या कितना नुकसान हुआ होगा इसमें? शाम को पहले ग्राम गोटिया में आग लगी थी, वहाँ से हमारी यूनिट और हम वापस जैसे ही आए तो रात्रि में 12:20 पर कोतवाली से वायरलेस सेट पर सूचना आई कि थाने के पास में चूड़ी की दुकान में आग लगी है। हम हमारे सभी कर्मचारी मैं यूनिट के जो है घटनास्थल पर तुरंत पहुंचे और आग बुझाना शुरू किया। आग भयंकर रूप से थी, लेकिन हम लोगों ने मेहनत करके तुरंत आग को जो है कंट्रोल किया और दुकान के जो है दुकान चारों तरफ से बंद थी, तो उसमें जो है बेलचा और उससे बोल्ट कटर से ताले काट के और आग को जो है काबू पाया गया।